Hello music buddies, hope you have been really doing well. So today we are going to start with our next topic, that is rhythm. So as we have talked earlier in the last video about what is music, so today the first important element we are going to talk more about it, that is rhythm. So starting with the first thing, what is rhythm? Rhythm is the combination of long and short beats. So what is a beat? Beat is anything which has a sound like this. Cool, it can be a tap on the keyboard, it can be a clap, it can be a tap with your feet. In Western music, हम जानते हैं कि इस rhythm notes को कुछ नाम दिया जाता है, जैसे कि whole note. Whole note क्या होता है? We would definitely, I mean, share the picture on the screen. But whole note क्या होता है? ये एक note है जिसको हम 4 counts के लिए जो है होल्ड करते हैं. सो 1 2 3 4 1 2 3 4. ये हो गया हमारा होल नोट इन अ रिदम बीट. सो रिदम बीट हम अभी जान रहे हैं कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है. तो अभी फर्स्ट सबसे लंबा जो नोट था वो है होल नोट. नाउ द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट नोट इज बेसिकली योर हाफ नोट. हाफ नोट की लंबाई जो है 2 काउंट के लिए होता है. तो पहले वाला अगर 4 काउंट्स के लिए हम होल्ड कर रहे थे, ये वाला भी सिर्फ 2 काउंट्स के लिए ही होल्ड करेंगे, दैट्स इट. सो हाफ नोट जो है वो होता है 2 काउंट्स के लिए. अभी हम जानेंगे हाफ नोट में जो है कैसे क्लैप या फिर कैसे हम प्ले करते हैं. लेट्स हियर इट. 1 2 1 2. सो सेकेंड वाला काउंट जो है होल्ड हो रहा है, राइट. द नेक्स्ट नोट विच इज़ अ क्वार्टर नोट, जिसे हम क्रॉचेट भी कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में. नाउ मूविंग टू द क्वार्टर नोट. क्वार्टर नोट हैज़ 1 काउंट इन इट. सो क्वार्टर नोट में एक ही काउंट हमें जो है प्ले करना रहता है, एक ही काउंट तक. 1 2 3 4. सो ये हर एक काउंट में जो है प्ले हो रहा है. दैट मीन्स 1 एक काउंट, 2 एक काउंट, 3 1 काउंट, 4 1 काउंट. सो ये हो गया हमारा क्रॉचेट या फिर क्वार्टर नोट. सो ये 3 जो है रिदम नोट्स को लेके हम हमारे पहले इनिशियल जो भी हमारे लेसन्स हैं अभी इनिशियली, उसमें ये 3 जो है 3 तरह के लॉन्ग एंड शॉर्ट बीट्स हम यूज़ करेंगे. बट इसके अलावा भी बहुत सारे रिदम नोट्स है जो हम अगले वीडियो में या फिर अगले सेशन में हम जानेंगे. सो हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, रिदम कैसे बनता है. नाउ एज वी हैव टॉक्ड अबाउट लंबाई, उसका उससे छोटा या फिर उससे छोटा, तो ये हम कंबाइन कैसे करें और हम कैसे रिदम बनाएं. तो जानने के लिए द एक्टिविटी राइट नाउ विच आई हैव फॉर यू, तो आप मेरे साथ जो है या फिर मेरे बाद, आई वुड गिव यू टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेरे बाद जो है सेम तरह का क्लैप जो है आपको करना है. ओके, यू हैव टू कॉपी द क्लैप्स बेसिकली. सो पैटर्न नंबर 1 कैसा है? ऑन अ काउंट ऑफ 3 2 1 Listen. 1 2 3 4. तो ये हो गया हमारा पैटर्न नंबर 1. अभी है आपकी बारी. पैटर्न नंबर 2. पैटर्न नंबर 2 क्या है? लेट्स हियर इट. 1 2 3 Listen. 1 2 3 4. This is pattern number 2. Your turn. पैटर्न नंबर 3. पैटर्न नंबर 3 क्या है? लेट्स हियर इट. पैटर्न नंबर 3 है 3 2 1 लिसन. 1 2 3 4. अगेन 1 2 3 4. ये करना है आपको पैटर्न नंबर 3. सो इट्स योर टर्न. लेट्स डू दिस. अगर आपको मिल गया है ऑल द पैटर्न्स करेक्टली, दैट मीन्स येस वी आर इन द गेम ऑफ म्यूजिक राइट नाउ. सो जैसे कि हम जानते हैं रिदम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट बीट्स. सो मैंने हर पैटर्न में, पैटर्न नंबर 1 वी हैड लॉन्गर बीट्स, लेट्स से कि एक एक काउंट के लिए हर एक बीट था. तो ये हो गया सबसे लंबा बीट हम कंसिडर अभी करेंगे. पैटर्न नंबर 2. पैटर्न नंबर 2 में क्या था? On the second count, the beats were shortened, right? तो beats जो है वो छोटा हो गया. Now beats छोटा हो गया मतलब क्या है? We are playing it 2 times, no? On the second count. So second count में हम 2 बारी play कर रहे हैं. Moving to the third pattern. Third pattern में क्या है? Third pattern is very simple. Third pattern में हम 3 बारी play कर रहे हैं. That means it is getting even more shorter. और छोटा होते जा रहा है, करेक्ट। सो दैट इज़ ऑल रिदम इज़। अभी ये जो है तीन पैटर्न की तरह ही सिमिलर एक पैटर्न आई वुड गिव यू एज अ चैलेंज। सो मेरा फोर्थ पैटर्न, पर्सनल फोर्थ पैटर्न वुड बी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेट्स हियर इट। एंड पैटर्न नंबर 4, ऑन अकाउंट ऑफ 3, 2, 1 गो। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 again 1, 2, 3, 4 your turn. So pattern number 4 is done for us, and that would be our lesson for today, that is what is rhythm. So what is rhythm, we have understood it, and इससे बेहतर हम जानेंगे अगली वीडियोस में कि और क्या क्या नोट्स होता है, as we were talking about this, no? कि long beat, short beat, even more shorter beats are there. So ये जो beats के टाइप्स है हम जानेंगे इन आवर नेक्स्ट फ्यूचर लेसन्स। कूल। बट टिल देन आपका कोई भी क्वेश्चंस या फिर कुछ भी रहेगा यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इसके अलावा डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक हैंडल, ये सब पेजेस में भी आप विजिट करके आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। सो दैट वुड बी इट फॉर अस टुडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय, टेक केयर।